मंदसौर पुलिस ने चंदन तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आयसर ट्रक में 12 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आयशर ट्रक से 12 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की। मामले में पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी फरार है। बरामद लकड़ियों की कीमत 60 लाख रुपए है। मामले में आरोपियों के खिलाफ चंदन तस्करी और चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आचार संहिता के अधीन लगे हुए नाकों रामदेव ढाबे के सामने कचनारा से आयसर गाड़ी क्रमांक MP09GH9201 को रोककर चेक करते उसमें 12 कुंटल लाल चंदन होना पाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए और वाहन 20 लाख रुपए का पुलिस कचनारा द्वारा जब्त किया गया है और आरोपी अनवर दाऊद को गिरफ्तार किया गया है तथा इमरान दलोदा अभी फरार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।